सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे आहूजा के ये मिनी बॉक्स का फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन के साथ साथ प्राइस भी बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करूँ अगर इस बॉक्स के मॉडल नंबर की, तो आहूजा SRX220 है इसका मॉडल नंबर। एंड ये बॉक्स हमारा 200 वाट के साथ आता है, मतलब कि 200 वाट का एक बॉक्स है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक HF ड्राइवर एंड जो स्पीकर लगा हुआ है, ये स्पीकर है 15 इंची का एंड फुल रेंज स्पीकर है। बात करूँ अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो 50 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आपको फ्रीक्वेंसी इस बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो स्पीकर इसमें यूज़ किया गया है, 15 इंची का स्पीकर है, मैंने बता दिया। और स्पीकर का वॉइस कॉइल है 2 इंची का, और साथ ही साथ इसमें एक HF ड्राइवर या फिर जो हॉर्न ट्यूटर बोलते हैं, वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। और बात करूँ अगर बॉक्स के वेट की, तो 26 केजी का एक बॉक्स है। और बात करूँ अगर यहाँ पर एम्पलीफायर डिटेल्स की, तो एक बॉक्स हमारा 200 वाट का है, तो दो बॉक्स चलाने के लिए आप यहाँ पर 300 या फिर 350 वाट का एम्पलीफायर यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाएगा। एंड आखिर में बात करूँ अगर इस बॉक्स का प्राइस, तो इसका प्राइस लगभग आपको 8,000 रुपये पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें 15 इंची के स्पीकर यूज़ किया गया है। अगर 12 इंची के स्पीकर होते तो प्राइस थोड़ा सा कम होता। इसमें 15 इंची का स्पीकर यूज़ किया गया है, इसलिए इसका प्राइस 8,000 रुपये है। और इस बॉक्स को आप कोई भी कीर्तन में मॉनिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, साथ में छोटे मोटे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर ये वाला बॉक्स है, तो साउंड क्वालिटी कैसा है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। आपका अगर कोई भी वीडियो मुझसे बनवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सेंड कर सकते हैं। और अगर कोई भी वीडियो मुझसे बनवाना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अभी के अभी लिख दीजिए। आई होप आपको आज का ये शॉर्ट वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग फ्रेश शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियोज़ को एंजॉय ऐसे ही करते रहिए।